हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से कंपैरिजन पढ़ना शुरू किया था। उसमें मैंने आपको कल उनकी आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन बताया था। आज हम दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस पेज में आपको सारे दिखाई दे रही हैं। इन सारे टेबल्स से जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ये सभी टेबल्स क्या दिखाती हैं? जब हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं। प्रथम श्रेणी में जैसे कि आयरन है, उसकी उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। लेकिन इसी इसी लाइन में जब हम देखते हैं रूथेनियम और ऑस्मियम सेकेंड और थर्ड की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपने टेट्राऑक्साइडों में 8 ऑक्सीडेशन स्टेट व्यक्त करते हैं। 3D सीरीज के कॉपर के समान 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज में Ag और Au सिल्वर और गोल्ड स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन वो प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में ही करते हैं। इसी प्रकार जिंक और कैडमियम, प्रथम में जिंक, द्वितीय में कैडमियम के तत्व +2 ऑक्सीजेशन अवस्था दर्शाते हैं, जबकि तीसरी ट्रांजिशन सीरीज का मरकरी जो है वो सिर्फ +1 ऑक्सीकरण अवस्था में ही स्थायी यौगिक बनाता है। इन टेबल को देखने पर तीसरा पॉइंट जो हमें दिखाई देता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D0, 3D5 और 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व्यक्त करते हैं, तो 3D का Mn अर्थ पूरी 3D5 विन्यास के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी यौगिक बनाता है, लेकिन द्वितीय और तृतीय ट्रांजिशन सीरीज में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन है फर्स्ट का सेकंड और थर्ड से, कि फर्स्ट में तो जो Mn है वो +2 में स्थायी यौगिक बनाता है, किंतु सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो टेक्टोनियम और Re हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिकों का निर्माण नहीं करते। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड +6 में स्थायी बनाते हैं, टेक्नीशियम के +7 में स्थायी ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी रिनायन WO4-2 ReO4-1 का निर्माण होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऑक्सीरिनायन CrO4-2- एवं MnO4- अस्थायी होने के कारण प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेकर, 3D श्रेणी के एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीकरण स्टेट में आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ एक जगह हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड बनते हैं और सेकेंड और थर्ड में हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। तो इस तरह से जो ये हमने शुरू से देखा, इस टेबल को आप वापस चेक करके देखें, सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हुए हैं और इस टेबल के आधार पर हमने ये सारी प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन स्टेट की डिस्कस करी। फर्स्ट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 3D, 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के कंपैरिजन करा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है? कि किसी पदार्थ में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो किसी पदार्थ में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है? तो ये दो प्रकार से गति करता है, एक कक्षीय और एक अक्षीय, एक तो ऑर्बिट में और एक एक्सेस पे। तो कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और अक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण μL = √L (L+1 Bm)
और अक्षीय गति के कारण म्यू एस इज इक्वल टू रूट म्यू 4s s प्लस 1 bm। इस सूत्र द्वारा इनके चुंबक के आघूर्ण दर्शाए जाते हैं और प्रभावी चुंबक के आघूर्ण का मान जो है उस वो इन दोनों का योग होता है। इस समीकरण द्वारा प्रथम संक्रमण श्रेणी का चुंबक के आघूर्ण ज्ञात किया जाता है, परंतु अन्य परमाणु आयन या अणुओं की उपस्थिति में उनके द्वारा उत्पन्न स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण कक्षीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है एवं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट एन प्लस वन बी एम। 4d और 5d श्रेणी के तत्वों में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति उनके चारों ओर स्थित अणु या आयनों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इसमें ls युग्मन प्रभावी होता है जिससे एक नई क्वांटम संख्या j प्राप्त होती है और फिर म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू j हो जाता है जो कि म्यू j इज इक्वल टू g रूट j j प्लस 1 bm। इस सूत्र से 4d और 5d श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण के प्रायोगिक मान के समान होते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्व मुख्य रूप से उच्च चक्रण से उसे संकुल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, क्योंकि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व में क्रमशः 4d और 5d उपकोष भरे जाते हैं। ये कक्षक 3d की तुलना में आकार में बड़े होने के कारण त्रिविम में अधिक फैलित होते हैं। 3d की तुलना में 4d और 5d में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम मात्रा में होता है जिससे कॉम्प्लेक्स लिगैंड धातु कक्षक के समीप आ जाते हैं एवं अधिक क्रिस्टल शेप स्प्लिटिंग एनर्जी उत्पन्न होती है। अतः ये निम्न स्पिन ट्रांजिशन बनाते हैं, लो स्पिन ट्रांजिशन बनाते हैं। तो इस तरह से ये हुई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में तुलनात्मक रूप से देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसमें हमको कंपैरिजन करना है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी। संक्रमण धातु आयनों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले रंग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी संकुल की सतह पर किसी कॉम्प्लेक्स के सरफेस पर वाइट लाइट आपतित होती है तो ये केवल कुछ भाग को ही अवशोषित करता है और शेष भाग को परावर्तित करता है। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी कॉम्प्लेक्स पर आती है तो वो कुछ ही पार्ट उस कुछ वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब होती है और कुछ वेवलेंथ परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। परावर्तित प्रकाश के कारण जो कॉम्प्लेक्स है वो हमको कलर्ड दिखाई देता है। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो है स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन की लाइट का अवशोषण करते हैं जो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक विस्तारित होता है। इस परिवर्तित प्रकाश का रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक होता है। कहने का मतलब जो प्रकाश ये कंपाउंड अवशोषित करते हैं उसका अपोजिट लाइट जो है ये रिपल्ट करते हैं। किसी जटिल द्वारा दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर मतलब T2g से Eg में जब ट्रांजिशन होता है तो इसे DD ट्रांजिशन कहते हैं और इस ट्रांजिशन के चलते कंपाउंड में कलर हमको दिखाई देते हैं। कॉम्प्लेक्सेस के कलर इस DD ट्रांजिशन के कारण होते हैं। इस प्रकार संक्रमण श्रेणी के तत्व डी इलेक्ट्रॉन के कारण स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये स्पेक्ट्रम 3D तत्वों द्वारा दिए जाते हैं जिसके बाह्यतम कोश में आंशिक रूप से भरे डी उपकोश उपस्थित उन तत्वों द्वारा दिए जाते हैं जिनके बाह्यतम कोश में आंशिक रूप से भरे 3d उपकोश होते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 4d और 5d कक्षकों की स्प्लिटिंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के 3d की अपेक्षा अधिक होने के कारण उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उनके जो कलर्स हैं वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर निर्भर करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा ओ द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। डेल्टा ओ का मान
जैसे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में कैसे लिगेंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, कॉम्प्लेक्स पर धनायन है या ऋणायन है, उसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है और धातु के आयनों पर डी इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है कि डेल्टा ओ का मान क्या है, और इसके आधार पर द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर्स को हम देख पाते हैं। तो ये हमारा जो है पहला यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉन्फिग्रेशन प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 3D 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का कंपैरेटिव जो स्टडी है हमने सबने किया। यहाँ पर ये हमारा पहला यूनिट ख़त्म होता है। अब हम आपको जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Thank you.